दोस्तों नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ में 10 जून को प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों के खिलाफ में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने गुरुवार की सुबह दोस्तों तकरीबन 357 लोगों को धर दबोचा है। ईडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों के मामले में प्रदेश में आज सुबह 357 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55, फिरोजाबाद में 20 और अंबेडकर नगर में 41 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर निकल करके सामने आ रही है। इस मामले में 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस और नागरिक प्रशासन आगामी जुमे की नमाज को लेकर भी खासा सतर्क हैं। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने जिले में लागू धारा 144 को 3 जुलाई तक और बढ़ा दिया है। तो जो नुपुर शर्मा की तरफ से मोहम्मद पैगंबर के को लेकर के दरअसल जो स्टेटमेंट दिया गया था, उसके बाद में जिस तरीके का विवाद खड़ा हो गया था, हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उन मामलों में संलिप्त 357 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यानी कि हिंसा के खिलाफ में योगी सरकार का डंडा लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा। और बुलडोजर बाबा ने ये कार्रवाई करके सीधे तौर पर यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में गुंडई और हिंसा कतई टॉलरेट नहीं की जाएगी। तो 357 लोगों को पुलिस घसीट करके लेकर गई है नुपुर शर्मा मामले में। बहरहाल जो योगी आदित्यनाथ का अपराधियों पर डंडा चला, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।